अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय ब्रदर्स एंड सिस्टर, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू माय चैनल्स। यू आर वाचिंग सोहैब जमील लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स, एंड आई वेलकम यू ऑल। सो टुडे वी विल डिस्कस वर्ड एंड इट्स टाइप्स, द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स एंड द टाइप्स ऑफ। बिफोर गोइंग टू द वीडियो, like this video, share this video with your friends, subscribe to the channel and press the bell icon to receive new updates of the upcoming videos. So basically we are going to study what is verb. So a verb is a word or combination of words that indicates action or state of being or condition. जो verb है ये असल में एक वर्ल्ड होता है, या ये कम्बिनेशन होता है अल्फाज का, वर्ड्स का, जो कि हमें एक्शन बताता है, कोई काम, कोई वर्क बताता है, या किसी सब्जेक्ट की हालत या जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है, वही जो इसकी कंडीशन होती है उसके बारे में हमें बताता है। अ वर्ब इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये वर्ब जो है ये सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। दैट टेल्स अस, जो कि हमें ये बताता है व्हाट द सब्जेक्ट परफॉर्म्स, कि ये जो सब्जेक्ट है ये करता क्या है। ये हमें सब्जेक्ट्स के काम के बारे में, इसके एक्शंस या इसके वर्ड्स वर्क्स या उसकी जो हालत है उसके बारे में हमें बताता है। वर्ड्स आर द हेड्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस। ये जो वर्ड्स होते हैं ये इंग्लिश सेंटेंसेस के का दिल इसको कहलाता है। दिस इज वर्ड्स आर नॉट ओनली द हेड्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस, एक्चुअली वर्ड्स आर द हेड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑफ ईच एंड एवरी लैंग्वेज। एग्जाम्पल इसके ये है कि जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, की जो जैकब्स है वो क्या करता है, वो सुबह सवेरे वो वॉक करता है। सो दिस इज एक्चुअली अ यूजुअल एक्शन ही डज एवरी डे। दिस इज इन हैज डेली रूटीन। माइक इज गोइंग टू स्कूल, और माइक जो है वो स्कूल जाता है। एक्चुअली दिस इज कंडीशन ऑफ एक्शन दैट ही डज एवरी डे। अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू वॉक, एंड हियर डज नॉट लाइक मीन्स दैट दिस इज द नेगेटिव एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, मीन्स दिस इज द नेगेटिव एक्शन ऑफ द अल्बर्ट। अन्ना इज अ गुड गर्ल, अन्ना जो है ये एक अच्छी लड़की है। सो दिस इज एक्चुअली स्टेट ऑफ बींग। वर्ड्स आर रिलेटेड टू अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड, वॉइस। सो इसका ताल्लुक जो है वर्ड्स का, ये सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टेंस, मूड और वॉइस के साथ है। इसके बगैर कोई भी आप किसी वर्ड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी इससे कोई चीज मीनिंग जो है मुकम्मल सेंस वो नहीं ले सकता। आगे जाते हैं बेसिक्स फॉर्म ऑफ वर्ब्स की तरफ, के जो वर्ब है उसके बेसिक्स हालात क्या है। सो देयर आर सिक्स बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब। दीज फॉर्म्स आर एज फॉलोज। और वही है जो सबसे पहले है वो बेस्ट फॉर्म हम इसको कहते हैं, यानी बुनियादी जो हालत है वो क्या है, यानी चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। जो बच्चे हैं ये फील्ड में क्या करते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं। सो एक्चुअली दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द होल सेंटेंस। इन्फिनिटिव, टेल देम नॉट टू प्ले। इन्फिनिटिव में ये है कि इसके लिए किसी सब्जेक्ट की जरूरत पेश नहीं होती, ठीक है, बस इसमें काम का किया जाता है, काम के बारे में बात की जाती है। पास्ट टेंस जो है, दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, यानी जो पास्ट है, असल में ये जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा गया है। सो वेन यूवर यू सी दैट अ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज बीन यूज, इट मीन्स दैट द पास्ट टेंस हैज बीन मेंशन इन दिस सेंटेंस। पास्ट पार्टिसिपल, आई हैव ईटन अ बर्गर। जब आप देखें कि किसी सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हुआ हो, सो उम्मीद रखें कि ये क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरफ इशारा हुआ होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई सॉ देम प्लेइंग। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में ही है कि इसमें वर्ब्स के साथ, वर्ब की पहली हालत के साथ आई एन जी लगाया जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई सॉ देम प्लेइंग विद हिम टुडे। जेरंड क्या है, ये स्विमिंग, असल में ये एज अ नाउन ये काम करता है। इसके साथ भी आई एन जी है, लेकिन ये इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं कह सकते क्योंकि ये जेरंड होता है। स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एंड दे आर फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड मोडल वर्ब्स। लेट्स गो फॉर
फाइनाइट वर्ब्स। सो फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स, ये असल जो वर्ब्स होते हैं ये इसी को फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं, विच आर कॉल्ड द रूट्स ऑफ सेंटेंस, जिसको जो है सेंटेंस के जड़े कहते हैं। यानी ये सेंटेंस जब बनता है तो इसकी जड़े वर्ब से ही निकलते हैं। जिस सेंटेंस में वर्ब ना हो इसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि सेंटेंस के लिए जरूरी है कि इसमें वर्ब हो। अगर किसी भी सेंटेंस में वर्ब मौजूद ना हो तो आप किसी भी हालत में उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। हाँ, जो अगर फॉर एग्जाम्पल आप सिंगल वर्ड सेंटेंस है, जैसा कि गो, मैं किसे कहता हूँ, ये भी वर्ब है। यानी दूसरे चीजों जो सेंटेंस में दूसरे जो चीजें हैं, यानी सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, अगर ये चीजें भी ना हो, हम सिर्फ वर्ब इस्तेमाल करें बास हालत में, बास केसेस में, तो अ सिंगल वर्ड कैन बी अ सेंटेंस, बट देयर इज नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब। यानी वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज परफॉर्म बाई, ये इट इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब, ये वर्ब की ऐसी हालत है जो कि किसी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट इसको करता है, मतलब जो नाउन है या प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कहा गया कि अली एलेक्स वेंट टू स्कूल, सो मीन्स वेंट जो है ये काम है, और कौन करता है, परफॉर्मर कौन है, ये एलेक्स है। सो एक्चुअली एलेक्स इज परफॉर्मिंग, मीन्स ही यूज टू गो टू स्कूल, मीन ही एलेक्स वेंट टू स्कूल, और रेफर टू अ सब्जेक्ट, या इसको सब्जेक्ट के साथ मुंसलिक किया जाता है, इसको भेजा जाता है। एंड यूजेस वन ऑफ द 12 फॉर्म ऑफ टेंसेस, और इसमें जो टेंस के 12 हालात हैं वो इनमें से किसी एक को इस्तेमाल किया जाता है। एंड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर, और उन्हीं जो 12 फॉर्म्स ऑफ टेंस हैं उसको बदला जाता है टू द नंबर अकॉर्डिंग, यानी नंबर के मुताबिक, पर्सन के मुताबिक, जो सब्जेक्ट है उनके मुताबिक, फिर वो चेंजेस भी लाते हैं टेंसेज में, यानी फॉर्म ऑफ टेंसेज में चेंजेस लाए जाते हैं। एग्जाम्पल जी है, एलेक्स वेंट टू स्कूल, यानी वो स्कूल गया है, टू स्कूल सब्जेक्ट, एलेक्स सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट एलेक्स है, एंड ही परफॉर्म मीन्स द एक्शन इन द पास्ट, ही डिड गो टू द स्कूल इन पास्ट, दिस इंफॉर्मेशन इज एविडेंट ओनली बाय द वर्ब वेंट, रॉबर्ट प्लेज हॉकी, यानी जो रॉबर्ट है वो हॉकी खेलता है। जब भी आप देखें कि इस वर्ब के बाद लगाया गया है तो इसका मतलब है कि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन या नाउन इस्तेमाल हुआ है, यानी जब सिंगुलर हो कोई नाम हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई प्ले हॉकी, बट मैं नहीं कह सकता कि आई प्लेज हॉकी, मैं थर्ड पर्सन जो सिंगुलर प्रोनाउन है, यानी ही शी एट, यानी आप देखिए ही वेंट, सॉरी ही प्लेज हॉकी, रॉबर्ट प्लेज हॉकी, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, एट रेन्स, यानी हम वर्ब के बाद एस लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये इनमें से थर्ड पर्सन में से कोई नहीं है तो हम फिर वर्ब की वही हालत जो कि होती है वही लगा लेते हैं, जैसे कि वी प्ले हॉकी, वी प्लेज हॉकी हम नहीं लिख सकते। ही इज प्लेइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलता है। सो हियर इज प्लेइंग इज एक्चुअली द फाइनाइट वर्ड इन दिस सेंटेंस। ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, कि वो क्या है, ही इज, दिस इज स्टेड ऑफ बीइंग, कि वो क्या है, एक अच्छा प्लेयर, प्लेयर्स में से एक अच्छा प्लेयर है। हियर द वर्ब इज डायरेक्टली रिफर्स टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ। नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है? सो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट एक्चुअल वर्ब्स, ये एक्चुअल वर्ब्स नहीं होते। रिमेंबर दिस दैट फाइनाइट वर्ब्स आर द एक्चुअल वर्ब्स व्हाइल नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट actual words, they do not work as verb, ye as a verb kaam nahi karte in the sentence, rather they work as noun, ye noun as a noun kaam karte hain, as an adjective kaam karte hain, as an adverb kaam karte hain, ya non finite words do not change according, aur ye jo hai according to number person of the subject bhi ye change nahi hote jis tarah ke finite words mein hota hai, because these words also called verbals, isko hum verbals bhi kehte hain, do not have any direct relationship to the subject, inka jo hai subject ke sath koi direct relationship
नहीं होता। समटाइम्स दे बिकम द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, और बाज़ औक़ात ये सब्जेक्ट्स बजाते खुद होते हैं। द फॉर्म्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ड्स आर इन्फिनिटिव, इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, जेरंड कहते हैं, एंड पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स बिकम फाइनाइट वर्ड्स व्हेन दे टेक ऑक्सिलरी वर्ब, यानी जब फाइनाइट वर्ड्स सॉरी पार्टिसिपल जब ऑक्सिलरी वर्ब्स लेते हैं तो तब वो फाइनाइट वर्ड्स बन जाते हैं, लेकिन जब वो पार्टिसिपल ऑक्सिलरी वर्ब्स को नहीं लेते हैं, इसको हम फाइनाइट वर्ड्स नहीं कह सकते। एग्जांपल क्या है, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले, दिस इज एक्चुअली इन्फिनिटिव सेंटेंस, मींस टू प्ले। प्लेइंग क्रिकेट इज हाई ओनली जॉब, is his only job, sorry, playing cricket is his only job, so this is present participle and you can say that playing cricket, this is present participle, we have used playing. I have a broken bat means this is past participle, past participle kis tarah hota hai, yani is pe third form of verb istemal kiya jata hai, जब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो जाए तो आप कह सकते हैं कि दिस इज एक्चुअली पास्ट पार्टिसिपल टेंस। वॉकिंग इज अ गुड हैबिट, सो यहाँ पर वॉकिंग जो है डब्ल्यू ए एल के आई एन जी, इट इज यूज एज नाउन, सो वी डू कॉल इट जर्नड। इसके बाद एक और वर्ब आता है जिसको हम एक्शन वर्ब्स कहते हैं। एक्शन वर्ब्स इंडिकेट व्हाट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म, यानी एक्शन वर्ब्स ये बताता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है ये क्या परफॉर्म करता है, मतलब ये क्या करता है। एक्शन वर्ड्स कैन मेक द लिसनर रीडर फील इमोशंस, सी सीन्स मोर विविडली एंड एक्यूरेटली, एंड हियर वी हैव some of them. Action verbs can be transitive or intransitive. और ये जो action verbs हैं हम इसको transitive और intransitive में भी तकसीम कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं। अब transitive verbs क्या है और intransitive verbs क्या है, so यहाँ पर ये चीज आपने जहन नशीन करनी है कि जो transitive verbs होते हैं must have a direct object, यानी जो भी transitive verb होगा उसके लिए direct object की जरूरत पड़ती है। यानी जब भी आप ट्रांजिटिव वर्ब इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग, यानी मैंने इस्तेमाल किया राइटिंग, राइटिंग, सो ये राइटिंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसके लिए जरूरी है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, क्योंकि जब मैं कहूँगा आई एम राइटिंग, सो जो लिसनर है उसको ये पता नहीं होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, सो उसके लिए जरूरी है कि मैं उसको कुछ बताओ, फर्दर मीन्स वो जो ऑब्जेक्ट है वो बताओ कि कोई ऑब्जेक्ट जरूरी, यानी आई एम राइटिंग अ लेटर, सो जो लिसनर है उसकी जो फीलिंग्स है वो और इसके जो थॉट्स है वो बात ही आसानी से समझ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है, कि मैं क्या लिख रहा हूँ, या मैंने आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी मैं ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। इसके बजाय अगर मैं कहूँ कि आई स्लीप, सॉरी इस पर बाद में जाते हैं, पहले बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, सो इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर अपना जो है मुकम्मल और कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता। और ट्रांजिटिव वर्ब डिमांड समथिंग, यानी इसकी डिमांड क्या होती है कि वो कुछ या कोई किसी को चाहता है, मतलब यानी अगर इसकी मीनिंग को कंप्लीट करनी है तो इसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या तो इंसान हो या समवन हो या समथिंग हो, कोई चीज़ हो जो कि इसलिए डिमांड है कि वो एज अ डायरेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट काम करे, उधर टू बी एक्टेड अपॉन। एग्जांपल्स क्या है, आई पेंटेड मींस आई पेंटेड, मैंने पेंट किया, लेकिन किस चीज पर, आई पेंटेड वेयर, सवाल उठेगा कि मैंने पेंट किया लेकिन किधर, सो आई पेंटेड द कार, मैंने कार को पेंट किया, सो हियर यू कैन सी दैट painted is a transitive verb and you can see that here it acts upon the car and this is the direct object in the sentence. The word paint demands an object to be painted. She is reading the newspaper. Yani she is reading. I am reading. So you don't know that what I am reading. So when I write here I am reading the newspapers, you would know that I am talking about the newspaper, that I am reading the newspaper. The verb read asks the question, what is she reading? The answer is the object. So here the reading is the as reading needs or it required, or you can say that it demands something or someone, means direct object.
एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट एक्ट अपॉन एनीथिंग। ये जो एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स है ये किसी भी चीज पर काम नहीं करता। दे मे बी फॉलोड बाई एन एडजेक्टिव, इसके बाद तो या कोई एडजेक्टिव लगाया जाता है या एडवर्ब या प्रपोजिशन या कोई दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच लगाया जाता है। शी स्माइल्ड, यानी इसके अलावा शी स्माइल्ड वो हंसी। इसके बाद अगर हम कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना लगाए तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि आप इसके बाद कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाए। अगर आप ने लगाना है तो आप एडजेक्टिव लगा सकते हैं, एडवर्ब लगा सकते हैं, यानी शी स्माइल्ड ब्यूटिफुली, शी स्माइल्ड, ठीक है। तो या शी स्माइल, ये तो खुद अपना मीनिंग मुकम्मल कर लेता है। ये जो सेंटेंस है यानी जो वर्ब है अपना तो मुकम्मल मीनिंग देता है। अगर आप फिर भी कुछ ऐड करना चाहे, इसको मॉडिफाई करना चाहे या कुछ ऐड करना चाहे तो वो आपकी मर्जी, और आप एडजेक्टिव एडवर्ब्स प्रपोजिशंस या दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच लगा सकते हैं। द वर्ड स्माइल कैन नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट सिंस द एक्शन ऑफ द स्माइलिंग डज नॉट फॉल अपॉन एनीथिंग एनीवन, जिस तरह के मैंने बताया। आई वेक अप एट 6 AM, सो यहाँ पर हमने एडजेक्टिव और प्रपोजिशन लगा लिया है। सो नो ऑब्जेक्ट इज नीडेड फॉर दिस वर्ड और जो एडवर्ब है वो। नॉट सब्जेक्ट प्लस इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी जो सब्जेक्ट हो और एंड ट्रांजिटिव वर्ड इज सफिशिएंट टू मेक अ कंप्लीट सेंस। यानी अगर किसी सेंटेंस में आप देखें कि एक तो सब्जेक्ट आया है और दूसरा एंड ट्रांजिटिव वर्ब है, सो इसका मतलब है कि एट कंप्लीटेड इट्स मीनिंग, यानी यहां पर जो मीनिंग होगा वो कंप्लीट हुआ होगा। इसमें जरूरत नहीं है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइए। बट सब्जेक्ट प्लस ट्रांजिटिव वर्ड इज नॉट सफिशिएंट, यानी जब सब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब आ जाए तो यहाँ पर कोई, यहाँ पर जरूरी है कि आप कोई भी वो लगा लें, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पैदा करें वो लगाएं। इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज ट्रांजिटिव वर्ड्स डिमांड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस तरह की मैंने पहले बताया था। इसके बाद एक और नंबर है वर्ब का, इसको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स। सो लिंकिंग वर्ब एड्स डिटेल अबाउट द सब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में डिटेल ऐड करता है, इसके बारे में हमें और मालूमात फराहम करता है आपस सेंटेंस में। एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट कनेक्ट्स द सब्जेक्ट इन द कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके जो इक्विवेलेंट है सब्जेक्ट की उन दोनों को क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। दैट इज द वर्ड दैट फॉलोज द लिंकिंग, दैट इज, और क्या है, द वर्ड्स दैट फॉलो द लिंकिंग वर्ब, जो कि लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। इट क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन देम, ये इन दोनों यानी जो सब्जेक्ट है और जो लिंकिंग वर्ब के बाद कोई भी वर्ड आता है जो कि उसके उसको फॉलो करता है, इन दोनों के दरमियान ये क्या करता है, एक लिंक पैदा करता है। आप शोइंग एक्शन ऑफन व्हाट इज ऑन ईच साइड ऑफ लिंकिंग वर्ड इज इक्विवेलेंट, ये दोनों एक जैसे होते हैं। द कॉम्प्लीमेंट रिडिफाइंस और रिस्टेट सब्जेक्ट, ये या तो रेडिफाई करता है, रेडिफाइन करता है, या इसके बारे में और इसको रिस्टेट करता है। जनरली लिंकिंग वर्ड्स आर कॉल्ड बी वर्ब्स, आमतौर पर हम जो है लिंकिंग वर्ब्स को बी वर्ब्स भी कहते हैं, विच आर एम एस आर वाज, जिस तरह की आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, शी इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ही वाज गोइंग टू न्यूयॉर्क, they were singing a song. So however these are some other words which can work is linking where those verbs are, aap bhi keh sakte hain it acts, he feels ya she feels, it remains, they appear, it becomes, it seems, it smells, it sounds, it grows, it looks, it proves, it says, it tests, it turns. तो या जितने भी हैं आप इस तरह ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इज अ लिंकिंग वर्ड। सम वर्ड्स इन दिस लिस्ट कैन आल्सो बी एक्शन वर्ड, और इसमें जो बास जो है यानी अटैच्ड या इटर्नल जॉब के, ये एक्शन वर्ड भी होते हैं। टू फिगर्स आउट इफ दे आर लिंकिंग वर्ड्स यू शुड ट्राई रिप्लेसिंग देम विद फॉर्म्स ऑफ द पी वर्ड्स, इफ द चेंज सेंटेंस मेक्स सेंस दैट वर्ड इज अ लिंकिंग वर्ड। एग्जांपल्स वी हैव, शी अपीयर्स रेडी फॉर द गेम, यानी शी इज रेडी फॉर द गेम, she appears, यहाँ जो है ये sentence, it works is a linking word. The food seemed delicious, so here seemed is also work as a linking word. The food was delicious and was is also
एलिंगटन गोल्ड, यू लुक हैप्पी, यू आर हैप्पी। उम्मीद है कि समझ आ गई होंगी। वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ड्स, इसको हम हेल्पिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इन ऑक्सिलरी वर्ड्स एक्सटेंड द मैन वर्ब, यानी ये जो मैन वर्ब है इसको एक्सटेंड करता है, इसकी वजाहत करता है बाई हेल्पिंग टू शो टाइम। इसका क्या होता है कि आपको टाइम बताता है, आपको टेंस बताता है और आपको पॉसिबिलिटी भी बताता है। द ऑक्सिलरी वर्ब्स आर बी वर्ब्स, इसको बी वर्ब्स भी कहते हैं, एंड दे आर हैव एंड डू, दे आर यूज इन द कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं, यानी जो प्रोग्रेसिव सेंटेंसेज होते हैं वो पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, एंड परफेक्ट टेंसेस, और जो परफेक्ट टेंसेस है मुकम्मल जो वही। लिंकिंग वर्ड्स वर्क एज मेन वर्ड इन द सेंटेंस, और ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं ये एज अ मेन वर्ड काम करते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग, सॉरी आई एम अबू आई, सो यहाँ पर जो है हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड तो मौजूद नहीं है, सो यहाँ पर जो एज होगा ये एज, इट विल वर्क एज अ मेन वर्ब। बट ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प मेन वर्ब्स, और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब्स की मदद करते हैं। डू इज एन ऑक्सिलरी वर्ब, ये जो डू है, आई डू केयर अबाउट यू, दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, डू आई नो अबाउट यू, डू आई नो यू, टू एक्सप्रेस निगेशन, या तो आई डू नॉट नो, आई डू नॉट लाइक, डू आई लाइक यू, आई डू नॉट लाइक यू, टू प्रोवाइड एम्फेसिस, या किसी चीज पर जोर देना हो, एंड मोर एंड मोर। Examples: Alex is going to school. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो as है, it works as a as an auxiliary verb. You can say that it works as an auxiliary verb. But when you say that there is no direct verb, so you can use this auxiliary verb as a main verb. But here we have going, and this is the main verb. So we will use, we will treat. This is as an auxiliary verb. They are walking in the park. I have seen a movie. So he actually it says that this is the perfect tense. The perfect tense. I have seen. This is present perfect tense. They are actually. This is about the present continuous tense. Do you drink tea? It means actually this is present simple tense. And that is question. Don't waste your time. It negates and at do a command, and don't waste your time, please do submit your assignment, ke please aap apna jo hai wo assignment wo submit karaye. So all these are working as an auxiliary verbs. And last we have modal verbs. So what is modal verbs? Modal is a kind of an auxiliary, ye bhi auxiliary verb ki ek kism hai. It assists the main verb, ye main verb ki madad karta hai to indicate possibility, कि वो पॉसिबिलिटी शो करे या पोटेंशियलिटी, काबिलियत या एबिलिटी है या परमिशन है या इजाज़त, एक्सपेक्टेशन और जो अब्लिगेशन है, इन सब को सबको इंडिकेट करता है। द मोडल वर्ड्स आर कैन मींस इफ दिस इज पॉसिबल, सो इफ कोड इट इज इन पास्ट, कुड, मस्ट, दिस इज नेसेसरी, मे, दिस इज This shows the possibility, might also shows the possibility, auto, and emphasis upon, shall means that it says the obligations are and should, we can say the expectation, obligation, well, and would, all these come under the umbrella of modal verbs. So we have some examples of this modal verb. So I may want to talk to you again, I may, it is possible that I will talk to you again, they must play, here is emphasis that you must do this, means they must play their best game to win, jeetne ke liye unko apna jo hai अच्छा खेलना जो है वो चाहिए। She should call him here. It says that she should. It is actually the expectation. I will go there. It means that it shows the possibility or obligation. So it was all about words and the various types of words, the forms of words. So if you people have any questions, you can use this email, and this is the WhatsApp number. You can jot it down your questions here through, you can send your questions through email, your suggestions, your questions,
all the queries about this lecture or the lectures which I have posted before. So if you have any sort of question, you can jot it down, your question, an email, WhatsApp, and also in the comment box. See you soon, inshallah. Allah Hafiz.